junction between two nerve cells is called as synapse. The junction between two nerve cells is called as synapse. Synapse की spelling का लिखवाई थी SYNAPSE. ठीक, उसके बाद full stop करके next line में लिखे nerve cell is also called as neuron. Spelling board पे है neuron. Nerve cell is also called as neuron. N-E-U-R-O-N, neuron. फिर लाइन चेंज करिए और लिखिए मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड. मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. ठीक है, जो भी हमारा मैसेज जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स मतलब इलेक्ट्रिक उस फॉर्म में आगे की तरफ बढ़ता है. यहां पर एंड होगा, यहां से दूसरा वाला जाएगा, इसके बीच में एक केमिकल मैसेंजर प्रेजेंट है, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो यहां से लेगा और अगले वाले सेल को देगा. तो उसका नाम लिखिए एसिटल कोलाइन, ए सी ई टी वाई एल सी एच ओ एल आई एन ई. एसिटल कोलाइन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक, बाकी आपको कल बता दिया था कि बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस, उसके बाजू में वैसे साइटोप्लाज्म होता है. अपन ने कल एकदम अच्छा वाला वर्ड लिखा था और लिखा था मीजल्स ग्रैन्यूल, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड है. ये वाले वर्ड, ये सारे पार्ट्स कहलाएंगे डेंड्राइट, ये पूरा कहलाएगा सेल बॉडी. हाँ, वहां पर एक वर्ड और डालिए कि सेल बॉडी जहां डायग्राम में ड्रॉ किया था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटॉन, सी वाई टी ओ एन, साइटॉन. वर्ड पता होने चाहिए क्योंकि बायो में कैसा होता है कि कुछ हार्डर वर्ड होते हैं उन्हीं को हम थोड़ा सा इजियर बना देते हैं. तो इजियर वर्ड हो गया सेल बॉडी और जो उसका प्रॉपर वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज साइटॉन. तो पूरे नर्व सेल को हम लोग मेन तीन चीजें बोलते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन. उसके बाद ये सब कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया था, शेवान सेल्स. उसके बाद में बीच में बताया था नोड्स ऑफ रेनबियर. जो शेवान सेल्स हैं वो माइलिनेटेड शीट है, उनके ऊपर माइलिन की कवरिंग है. और जहां पे शेवान सेल्स नहीं है, नोड्स ऑफ रेनबियर आ गया, वहां माइलिन की कवरिंग नहीं है, इट इज कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड शीट या सिंपली नॉन माइलिनेटेड. ठीक, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एपिथीलियल, ई पी आई टी एच ई, एपिथीलियल टिश्यूज. जैसा मैंने बताया कि एपिथीलियल टिश्यू का मेन काम क्या है, किसी भी चीज की कवरिंग करना और प्रोटेक्शन करना. वो चीज क्या है, वो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है और वो इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है. एपिथीलियल टिश्यूज को हम लोग टोटल सिक्स टाइप्स में डिवाइड करेंगे. वो सिक्स टाइप्स किस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, क्यों अलग अलग नाम दिए, बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, कि भाई उन्हें कहाँ पर प्रेजेंट रहना है, मतलब पोजीशन उनकी क्या है, कितने एक्सटर्नल इफेक्ट्स को उनको झेलना है,
और दूसरा उनका मेन फंक्शन क्या है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था सलाइवा का कि भाई हर वक्त ये पार्ट हमारा जो है ये गीला रहता है, ऐसे में अगर ऐसे टिश्यूज या सेल्स प्रेजेंट हो जो गीलेपन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो, सुखड़ जाते हो, श्रिंक हो जाते हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोले हमारी टंग अभी तो बढ़िया दिख रही है लेकिन थोड़ी देर में बोले गीली हो के छोटी सी हो गई, तो ये तो दिन भर ही गीला रहने वाला है, तो फिर बोले टंग गायब हो गई। तो हमारी टंग इस तरह की प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए जो पानी वगैरह से, सलाइवा से, एक्चुअली सलाइवा इज अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, तो उस बेस से उसे कोई फर्क ना पड़े। ऐसे ही हमारे स्टमक में एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऐसा ना हो कि वो एसिड जाके हमारे स्टमक के ऊपर ही अटैक कर दे, तो हमारा स्टमक एसिड में बोले खराब हो गया। तो प्रोटेक्शन उस स्टमक को बचाने के लिए डेफिनेटली वहां पर एक अलग तरह की कवरिंग प्रेजेंट है। तो जहां पर भी कवरिंग प्रेजेंट है वो नाम हमने दिया, एक कॉमन नेम इज एपिथेलियल टिश्यू। उसको टोटल हम लोग 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वेमस, अभी बाद में लिखेंगे अपन लोग क्योंकि मैं एपिथेलियल का भी डिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगे। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वेमस, सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, थर्ड इज कॉलमनर एपिथेलियम। थोड़े से वर्ड्स मैंने जैसा बताया, थोड़ा सा नए वर्ड्स हार्डर लगेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, फिफ्थ इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड लास्ट वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कुछ कुछ पार्ट आपको नाम से समझ में आएगा। कॉलमनर बोले कॉलम जैसे दिखने वाले, सीलिएटेड कॉलमनर, कॉलम का मतलब क्या होगा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, जो अपने घर के कॉलम खड़े होते हैं, पिलर्स खड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलम। तो जो पिलर्स की तरह खड़े हुए हैं ऐसे शेप वाले, उन्हें हमने नाम दे दिया कॉलमनर एपिथेलियम। अब उन कॉलम्स में सीलिएटेड आ गए, सीलिएटेड मतलब थोड़े थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनके ऊपर ग्रो हो गए, तो हमने उन्हें नाम दिया सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। किसी का शेप क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड समझ में आता है एक बॉक्स जैसा, ये होता है क्यूबॉइडल। तो जो टिश्यू है उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइडल शेप है, तो क्यूबॉइडल वाले को नाम दे दिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो तीन तो नाम से समझ में आ जाएंगे, कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर और क्यूबॉइडल। अब सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस नॉर्मली हम लोग लेते हैं एक हमारी टाइल्स, घर में जो हमारे टाइल लगी हुई होती है वो टाइल कैसी दिख रही है, स्क्वायर रेक्टेंगल समथिंग इसी शेप की वो रहेगी और एकदम फ्लैट है ना। हमारे घर में जो रूम है उसमें ऐसा नहीं होता कि ऊपर नीचे टाइल्स होती हो, पूरी एक फ्लैट टाइल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वेमस, बिल्कुल एक फ्लैट टाइल, फ्लैट जगह जहाँ पर बनानी है वहां पर प्रेजेंट है सिंपल स्क्वेमस। कहीं पर चाहिए तो टाइल्स ही, मतलब फ्लैट ही चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, पेव लाइन मतलब मोटा चाहिए, तो बोले एक लाइन बना दो, उसके ऊपर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, टाइल्स की गड्डी बना दी, मतलब हमने इसको थोड़ा सा थिकर कर दिया, उसे हमने नाम दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अभी मैं खाली आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में नाम और थोड़ी सी लिंक के बारे में समझा रहा कि सिंपल स्क्वेमस तो बोले टाइल्स जैसा दिखता है, उन्हीं टाइल्सों को अगर हम पेव्ड कर दें, एक के ऊपर एक स्टैकवाइज रख दें, तो वो कहलाने लग जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। डेफिनेटली मोटा कहां पर बनाओगे, स्किन में, स्किन में, स्किन हमारी उबड़ खाबड़ थोड़ी चल रही है ना, रफ थोड़ी है, स्मूथ है, और कैसी है, ठीक होनी चाहिए, वरना अभी स्कूल गए किसी ने पेन लिया और ब्लैक मार दिया,
पतली जगह होगी तो तुरंत उसमें से ब्लड बाहर आ जाएगा, अंदर की जो चीजें हैं वो दिखना चालू हो जाएंगी। नहीं ना, ऐसे छोटे मोटे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा ठीक है, इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है तो कॉलम ना एपिथेलियम, कॉलम के ऊपर सीलिया बन गया, सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो सीलिएटेड कॉलमनर, उसके बाद क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर। अभी पढ़ते हैं, थोड़ी देर रुकिए, एक एक करके चालू करेंगे। अभी आपने हेडिंग डाली एपिथेलियल टिश्यू, उसकी पहले डेफिनेशन से शुरू, मतलब वर्किंग से शुरू करते हैं। लिखिए, द कवरिंग और प्रोटेक्टिंग लेयर, द कवरिंग और प्रोटेक्टिंग लेयर of all parts of the body is made up of epithelial tissues. नेक्स्ट लाइन में फंक्शन क्या काम करता है हमको बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में फंक्शन डैश करके फर्स्ट पॉइंट, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स एंड कैविटीज। कोई खाली जगह भी है तो भी उसके आसपास एपिथेलियल की कवरिंग होगी। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज, CAVITIES। सेकेंड पॉइंट, इट फॉर्म्स अ बैरियर to keep different body system separate। ठीक, फिर टाइप्स लिखकर, ये पूरे छह के छह नाम लिखिए। फर्स्ट सिंपल स्क्वेमस, अब इसे एपिथेलियल बोलो, एपिथेलियम बोलो, है ना। जैसे अपन ने बोला सिंपल स्क्वेमस, तो खाली सिंपल स्क्वेमस विल आल्सो डू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू will also do, simple squamous epithelium will also do, सबका एक ही बात है। ऐसा नहीं कि ये नाम अलग हो गया वो नाम अलग हो गया, simple squamous is simple squamous, कोई और वर्ड अलग से नहीं आ जाएगा। चलिए लिखिए, they are tiles like, TILES, tiles like और पेवमेंट लाइक, PAVEMENT, पेवमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे दिखते हैं तो बताया मैंने, टाइल्स जैसे, या जमीन को हम जैसे बेसमेंट बोलते हैं, तो बेसमेंट वर्ड क्या हो जाता है कि बिल्कुल अंडरग्राउंड के लिए बेसमेंट वर्ड यूज होता है, तो हम लोगों ने उसकी जगह वर्ड यूज किया पेवमेंट। फ्लैट स्ट्रक्चर, तो टाइल जैसे दिखते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर जैसे दिखते हैं। दे फॉर्म थिन लेयर ऑफ कवरिंग, दे फॉर्म थिन लेयर ऑफ कवरिंग। फुल स्टॉप। दे आर प्रेजेंट, they are present
फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, टू फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग. फॉर एग्जाम्पल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस. स्पेलिंग में बोल रही हूँ ईसोफेगस की, इट इज ओ ई एस ओ पी एच ए जी यू एस. ईसोफेगस अगर हार्ड लगता है, लग ही रहा होगा, तो ब्रैकेट में लिख लो फूड पाइप. फूड पाइप कैसा है कि हम लोगों को कुछ भी अपन ने खाया तो अगर अपन कोई चीज ज्यादा कड़क खा ले तो मुंह में लग जाती है ना. सिंपल अगर कोई एक एग्जांपल है, अपन फेन्यूरी सौंफ, सौंफ खाते हैं, कभी किसी ने खाई हो, इलायची खाई हो, तो अगर अपन ने ली और जो किसी कॉर्नर में जाके फंस गई तो बड़ा तेज दर्द होने लगता है उस जगह पर. मतलब ये इतनी स्मूथ लाइनिंग है हमारे माउथ की कि जरा सी भी कोई चीज आ जाए, थोड़ी सी हार्डर चीज आ जाए तो वहां पर हमें पेन होता है. ठीक है, तो जहां पर भी सॉफ्ट लाइनिंग चाहिए, डेलिकेट लाइनिंग चाहिए, वहां पर कौन सा प्रेजेंट है? इट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, है ना. फूड पाइप, ये वाला जो हमारा पार्ट जा रहा है इसे हम कहते हैं फूड पाइप. प्रॉपर नाम होता है उसका ईसोफेगस. बाहर की तरफ की बात नहीं कर रहे, बाहर नहीं, अंदर जो फूड पाइप प्रेजेंट है, अंदर उस फूड पाइप की जो कवरिंग है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज. सेकेंड लीजिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल. Several layers of simple squamous epithelium several layers of simple squamous epithelium forms the stratified squamous epithelium full stop. They form stronger and harder covering. For example, skin. अभी आपको बताया कि एक टाइल्स है, तो एक ही टाइल्स की लेयर अगर चल रही है तो वो क्या लाएगा? सिंपल स्क्वैमस. उसी टाइल्स की हम लोगों ने मोटी लेयर बना दी, सेवरल लेयर. किसकी? सेवरल लेयर्स ऑफ सिंपल स्क्वैमस फॉर्म्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. ठीक है, उन्हीं की बहुत सारी लेयर जब रख देंगे तो थोड़ा थिकर पार्ट हो गया, हार्डर हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, उसे हमने नाम दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस. थर्ड, कॉलमनर एपिथेलियम. दीज आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर. They facilitate मतलब easier किसी काम को बनाना,
उसे बोलते हैं दे फैसिलिटेट द मूवमेंट, दे फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द बैरियर्स. They are present at the places where absorption occurs. For example, inner lining of intestine. क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये पिलर जैसे दिखते हैं, वो तो समझ में आ गया, मैंने बताया अभी तक कि पिलर जैसे यानी लंबे लंबे ये नजर आते हैं. कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो मेनली जहां पे एब्जॉर्ब करने का काम है ना. एब्जॉर्ब क्या करेंगे? तो जैसे हम लोगों का खाना डाइजेस्ट हो गया, तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जहां पर एब्जॉर्ब होना है, उसको दूसरी जगह पर भिजवाना है, वहां पर प्रेजेंट होंगे कॉलमनर एपिथेलियम. और दूसरा ये क्या काम करते हैं, तो हमने बोला दे फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द बैरियर. बैरियर मतलब कि भाई एक सेल है, दूसरा सेल है, एक सेल बोल रहा है सामान आन दो, अब दूसरे सेल ने बीच में कुछ बैरियर की तरह काम कर दिया, तो उस बैरियर को क्रॉस करके ये सामान को जाने देगा. वो सामान हमारी बॉडी में क्या होता है? वो सामान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो हमारा रहेगा फूड मटेरियल, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो, या नाइट्रोजीनस वेस्ट. हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का जो वेस्ट होता है वो पार्ट, वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट जहां जहां हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है या उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जगहों पर हमारे पास में प्रेजेंट रहेगा कॉलमनर एपिथेलियम. हम ये चाहते हैं कि सामान अंदर की तरफ आ जाए या सिक्रीशन चाहिए कि ये सामान यहाँ से थोड़ा सा बाहर चला जाए, तो उन जगहों पर मूवमेंट होगा, अंदर जाना और बाहर आना. ये जो मूवमेंट है इट इज अलाउड बाय, इट इज डन बाय नहीं, इट इज अलाउड बाय कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि उसकी जगह स्टेटिफाइड स्क्वैमस होगा, तो वो थोड़ी किसी चीज को अंदर बाहर जाने देगा. तो अगर अपन ये वर्ड बोल रहे हैं कि इट फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द बैरियर, तो दिस इज अ बैरियर. उस बैरियर से वो सामान को आने जाने की परमिशन दे रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है कॉलमनर एपिथेलियम. नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ciliated columnar epithelium. They are similar to columnar epithelium but they have hair like structure called as cilia. Which can move. सीलिया जो होता है वो मूव कर सकता है. विच कैन मूव एंड इट्स मूवमेंट पुशेस पुशेस द म्यूकस पुशेस द म्यूकस MUCUS. फॉर एग्जाम्पल respiratory tract
और ये वर्ड हार्ड लगे तो नोज ये एकदम हल्का सा वर्ड हो गया। रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्चुअल वर्ड है। अरे सिंपल सी बात है कि इतना तो समझ में आ रहा है कि लेने देने के लिए वो अलाउ कर रहा है, हमारी नोज ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज रहा है, कि ना उसके लिए तो मैम नॉस्ट्रिल्स हैं, छेद हैं, डेफिनेटली है, लेकिन कवरिंग भी तो है। यही कवरिंग ये वाली हो तो बोले यहाँ से, ये वाली हो बोले यहाँ से, थोड़ी ऑक्सीजन लेना देना अलाउ करना है। बात को समझिए, हर जगह हर काम एक जैसा नहीं होगा, मतलब इसके अंदर ऐसे वाले सेल्स प्रेजेंट है जो एक्सचेंज अलाउ कर रहे, साथ में उसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो नोज के अंदर ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसीलिए जब हम लोग इनहेल करते हैं, अंदर जाते हैं, तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हैं वो ये हेयर क्या करते हैं, रोक देते हैं, है ना, एंड देन इट इज मूव्ड आउटवर्ड, जिससे हमारा जो भी म्यूकस, म्यूकस मतलब गंदगी जो भी बन गई है उसे बाहर निकाल दो। ऐसा का ऐसा यहाँ पर ये जो हमारा ईयर का पैसेज है यहाँ पर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो बाल नहीं है, ये नहीं बोल देते कि यहाँ पे बाल ग्रो हो गए अंदर, यहाँ पे नाक, बड़ा गंदा इमेजिनेशन है। क्या प्रेजेंट है, तो हमारे पास प्रेजेंट है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, टिश्यूज प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, और दे हैव सीलिया। ये सीलिया मूव भी कर रहे हैं, मतलब अंदर नहीं जाने देंगे किसी चीज को, दे टेक देम आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ की मूवमेंट शो करते हैं, जिससे जो भी पार्ट है वो बाहर की तरफ ही रहे। चार कंप्लीट हो गए, दो बाद में करते हैं।